25/7/2024 का इसका जन्मदिन भाई साहब जी। जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं बिल्कुल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बिल्कुल अपने घर आ सकता है जन्मदिन पे, हैं जी बिल्कुल। हाँ जी, तो भाई ने जन्मदिन मनाया है, हर कोई इनवाइट है, कोई भाई आना चाहे तो आना चाहे, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी हरियाणा से। नमस्कार पशुपालक साथियों, आज आपके अपने यूट्यूब चैनल रावत मुर्रा डेयरी फार्म पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। साथियों आज आपके सामने फिर से एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है वो एक बहुत बेहतरीन जो काफ तैयार हुआ है, मात्र कुल 11 महीने कुछ दिन का काफ है, आज उसकी वीडियो आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है वो है डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी से, जो कि लाला रोडाई गांव से लेकर के आ रहे हैं। तो आज अपने अजीत नंबरदार जी हैं, इनके बुल की वीडियो लेकर के आ रहे हैं। बहुत अच्छा जो इन्होंने अपनी मेहनत की है, उस मेहनत को आज आपको आपके सामने रूबरू कराएंगे और बताएंगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार जोगिंदर भाई साहब। नमस्कार जी। सबसे पहले जो भाई साहब आप हमारे घर पर आ रहे, आपको सभी भाइयों को राम राम। राम राम जी, राम राम जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो बताइए जी, आपने ये इतना अच्छा काफ किस तरह से तैयार किया? देखिए साथियों, आप इसकी लंबाई चौड़ाई देखिए, और मैं पीछे से मैं इसकी पीठ पुट्ठे की बात करूं तो देखिए, और मात्र कुल में 11 महीने कितने दिन का है जी? 11 महीने 10 दिन का जी आज। 11 महीना 10 दिन का जी आज। 11 महीने 10 दिन का, आप इसके टेस्टिकल देख सकते हो, ये देखिए, और आप इसके पीठ पुट्ठे की क्वालिटी देख सकते हो, पूंछ के बाल देख सकते हो, कुछ बाल सफेद जरूर हैं मैं कहूंगा, मगर मुर्रा से बाहर नहीं है। और ये देखिए आप मुंह का, चेहरे मोरे का देखिए कितना अच्छा है, बिल्कुल हेड पेस देखिए कितना हो, और बिल्कुल सींग देखिए, अभी तो बिल्कुल छोटे बहुत निकल के जो बच्चा है आपको ये बिल्कुल देखना होगा। तो और इसकी मैं आगे की बात करूं, इसके पैरों की बात करूं तो बिल्कुल फ्लैट पैर है, और ये थोड़ा ये देखिए आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से कहीं से कोई कमी कटरे में देखने को नहीं मिलेगी। तो बताओ जी एक बार इसके बारे में जोगिंदर भाई जी। ये आज हो गया जी 11 महीने और 10 दिन का आज ही हो गया जी। 11 महीने 10 दिन का, 25 तारीख को आएगा जब एक साल का हो जाएगा बस। साथियों मैंने तो आज तक इतनी हाइट लेंथ का, इतना वजन में, इतना मतलब तंदुरुस्त कटरा पहली बार देख रहा हूँ। पहली बार मैंने तो इतना, इतने कम वजन में और इतने कम समय में जो भाई ने तैयार किया, वो भाई की काबिलियत तारीफ है। ये भाई HLDB M466 का बेटा है जी। जी हाँ जी। तो साथियों मैं बताऊं आपको, HLDB M466 भी बहुत अच्छा बुल है, और बिल्कुल मैं कहूंगा कि ब्यूटी का बहुत शानदार है, और बिल्कुल हूबहू ज्यादा तो ये अपने बाप पे ही गया हुआ है। इसकी माँ है जी HLDB की है जी। जी नंबर हमें पता नहीं जी उसका जी। हाँ जी। और वो इसका फर्स्ट टाइमर में 16 केजी दूध दिया इसकी माँ ने जी। 16 केजी इसकी माँ ने फर्स्ट टाइमर में दूध दिया, मुंह से खीरी थी जी। तो वो आपके पास है? हमारे पास ही है जी। जी ब्याने में अब उसका लगभग 10-12 दिन बाकी है जी। तो आपने कहीं उसका दूध रिकॉर्ड भी कराया? पिछली बार नहीं करवाया जी। पिछली बार नहीं, ज्यादा सोच रहे थे मतलब रिकॉर्ड करने के लिए, ज्यादा मतलब 16 से ऊपर गई नहीं जी वो, उसने जेयर नहीं डाली थी जी, थोड़ी दिक्कत होगी जेयर में जी। जेल में दिक्कत आने के बाद भी 16 किलो दूध दिया। देखिए साथियों कितनी काबिलियत तारीफ है, जो ब्याने के, मैं ये कह रहा हूँ कि जो वो अच्छी तरह से जेल डालती और अच्छी तरह से ब्याती ना, तो उसका दूध कुछ और प्लस देखने को मिलता। तो उसकी ब्याह जाती 10-12 दिन में अच्छी तरह ब्याह गई, भगवान की शुक्र रहा। तो इसका अब क्या, तो खीरी ब्याई थी जी। खीरी ब्याई थी जी। हाँ जी। अब के वो दो दांत भी आएगी जी। जी ये भी एक रिकॉर्ड साहब भाई साहब। आपका मन कैसे बना कि आपको कटरा तैयार करना है? ये मेड़ों में जाते थे जी, देखते थे जी, मैं कटिया पालता था जी, पर एक अपना शौक था अपने घर भी अच्छा बुल तैयार हो जी। हाँ जी। तो इसलिए बढ़िया सिमन का था, इसकी माँ बहुत अच्छी है हमारे, 2004 से हमारे पास खुलना है जी इसका। तो एक बार हमारे साथियों को ये और बताएं जी, आपने ये क्या खिला के तैयार किया, इतना तगड़ा मोटा हष्ट पुष्ट जो बनाया है आपने, आपने इतनी मेहनत की है, तो एक बार कोई और भाई भी करना चाहे तो ऐसा क्या आपने दिया था जो आपने ये इतना तैयार किया? भाई इतना दूध पिलाया, कितना? 3-3 केजी दूध पिलाया इसको जी। जी। 3 सुबह 3 शाम, 3 किलो सुबह 3 किलो शाम, 3 किलो शाम को जी। फिर इसको 3 महीने के बाद लगभग फीड पे ले आए थे हम जी। 3 महीने के बाद फीड पे ले आए थे। बूस्टिन काफ भी दिया था इनको इसको जी। और जो संजन कंपनी का बूस्टिन काफ है आपके पास? है जी हमारे पास जी। सब पहले थे ये बूस्टिन काफ वाला को दिया था जी। बूस्टिन काफ है जी। ये देखिए साथियों, ये है बूस्टिन काफ,
हाँ जी मैं कहूंगा कि जो भाई ने बताया कि इससे जो शुरुआत में ये दे करके जो चालू किया तो बहुत अच्छा, इसका कितने डिब्बे खिला दिए थे? इसको लगभग 3-4 डब्बे खिला दिए, 3-4 डिब्बे ये बूस्टन काप खिलाया था, खिलाया जी। हाँ जी, उसके बाद जी ये पशु स्वस्थ है जी, जी इसका योग स्पंसारी करनीना से जी, जी। ये जेल आता है जी, ये जी अब इसको ये खिलाना शुरू कर दिया जेल जी इसको। साथ ही हमने योगेश पंसारी कनीना से जो हैं उनका भी ये जेल है, ये कोई चॉकलेट बोलते हैं इसे, चॉकलेट। हाँ तो ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। हम खिला चुके भाई साहब, ये नया डब्बा नहीं, आपको सोचोगे पुराना डब्बा है, ये डब्बा खिला सके। एक डब्बा इसे खिला दिया, बढ़िया रिजल्ट इसका भाई, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो है ही है, मगर ये भी सीधा जो रिजल्ट अपने सामने आएगा ना उसी को दिखाएंगे भाई साहब, ऐसे नहीं दिखाएंगे कोई दे गए हम एक मिनट में दिखा देंगे, यूज करते पहले बाद में दिखाते हैं भाई साहब इसको। हाँ पहले भाई ने ये यूज किया, इसका रिजल्ट आप देख सकते हो, अब ये यूज चल रहा है, डिब्बा खिला दिया है, इसके बाद पता लगेगा इसका भी कितना बेहतरीन रिजल्ट, बेहतरीन रिजल्ट है। बाकी भाई का बोलना है कि इसका भी बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन रिजल्ट है भाई साहब इसका। डाइट में वैसे क्या दिया है जी? ये तो हो गए प्रोडक्ट, डाइट में मैं अपने साथियों को बता देता हूँ, निखालस प्रोडक्ट से ही बच्चा नहीं बनता है जी, बच्चे पे बहुत ज्यादा मेहनत की जाती है, एक पहलवान और एक कटरा तैयार करने के लिए बहुत पैसा लगता है जी, तो पैसा लगाते तो हर कोई देता है, मगर उसकी सार संवार भी बहुत जरूरी है, ये नहीं कि बच्चे की सार संवार होनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई ने इस पे थोड़ी मेहनत नहीं की, 2400 घंटे इस पे के पीछे ही खड़ा रहता है, इतना शौक और लगन से ये तैयार होता है। और बताइए भाई, आपसे हमने फीड है भाई जी, सनटेक संजीन कंपनी की फीड है भाई साहब, ये काफ ग्रोवर जी, बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसका भाई साहब। ये भाई ने एक यूज की है। हाँ जी, ये कितने दिन से चालू की थी जी? लगभग 4-5 महीने जब चालू कर दिया था जी इसको जी, 4-5 महीने से। ये देखिए ये फीड भाई ने इसे खिलाई है, फीड भी खिलाई है, दूध भी पिलाया है, जो प्रोडक्ट है वो भी सारे कुछ दिए हैं, बहुत कुछ देने के बाद भाई ने ये तैयार किया है। ऐसा नहीं करेंगे भाई साहब, हम बताएंगे नहीं, जो आपने दिया ना इसको हर कोई बताएंगे जी, ऐसा नहीं हम छुपो कर रखेंगे। पहला अपन बूस्टिंग काफ दिया जी, बाद में योगेश पंसारी का भाई का ये जेल दिया, और ये कट्टा चल रहा है जी, ये सिंटेक वालों का, संजीन कंपनी वालों का, काफ ग्रोवर नाम से आता जी ये जी। हाँ जी, तो भाई साहब का बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये जो देख पा रहे हो, अभी कुछ दिन बाद इसका जन्मदिन भी है जो भाई साहब मनाने के लिए जा रहे हैं जी, बिल्कुल। हाँ, तो उसके बारे में 25/7/2024 का इसका जन्मदिन भाई साहब जी, जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं बिल्कुल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बिल्कुल अपने घर आ सकता है जन्मदिन पे है जी, बिल्कुल। हाँ जी, तो भाई ने जन्मदिन मनाया है, हर कोई इनवाइट है, कोई भाई आना चाहे तो आना चाहे, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी हरियाणा से बोल रहे हैं जी, अपना नंबर और 9168-90-515, 9468-90-515 जो कि स्क्रीन पे चला हुआ है, स्क्रीन चलाओ जी। तो साथियों ये आपका आप देखते हैं। अच्छा एक चीज और बताइए जी, ये क्या इसके आप सीमन भी तैयार करवाओगे आगे भविष्य में, या क्या कोई सेल करने का विचार है आगे? सेल करने का कोई विचार नहीं है, सीमन पे ही लाना है। पंजाब से फोन आ रहे हैं भाई जी, यूपी से फोन आए थे जी, बेचना नहीं है जी, अपना तैयार करके देखेंगे जी। पहले तो 4-5 भैंस डायरेक्ट क्रॉसिंग करवाएंगे जी, अच्छा रिजल्ट आएगा तो बाद में सिमन की वो करेंगे। साथियों ये होती है एक पशुपालक की वो, क्योंकि पशुपालक ही पशुपालक को जान सकता है और पहचान सकता है, क्योंकि आज पशु तैयार करने में बहुत ज्यादा आमदनी लगती है, बहुत ज्यादा खर्चा लगता है, ऐसा नहीं है कि पशु आज बातों से तैयार नहीं होता, बहुत ज्यादा खर्चे से तैयार होता है। तो आज भाई साहब की सोच देखो, पहले 2-4 अपने यहाँ पे ही पहले इसे डायरेक्ट मीटिंग करवाएंगे, जो उनके बच्चे जब दूध पे आ जाएंगे तब भाई इसका सीमन निकालेंगे, सीमन निकालेंगे भाई साहब। सुबह बहुत ठंडा भाई साहब, देख सकते हो आप, देखो तो भाई की ये सोच देखिए, और बिल्कुल देखिए आप ये चला करके देखिए, बहुत अच्छा जो भाई का पशुधन, दिल देख के सो बिल्कुल गदगद हो गया। मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा जो भाई ने मेहनत कर रखी है, काबिलियत तारीफ है भाई साहब। आगे चद्दर देखो, छाती देखो, बहुत अच्छी छाती, बहुत अच्छी वो मैंने हर चीज दिखा दिया, आप देख सकते हो साथियों, बहुत अच्छा। देखिए ये देखिए, आपको चला करके भी दिखा रहे हैं, ये देखिए रोकी अंग, देखिए आप इसकी बिल्कुल शांत है भाई साहब, ये देखिए इतना शांत स्वभाव का, और बिल्कुल अभी तो ये देखिए बच्चा है। साथियों उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें,
इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, राम राम जी।